अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का ये 6th वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट में और कितनी तरह की होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेटा टाइप्स होती क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम वेरिएबल को कितनी तरह से जो है वो जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था वेर, लेट, कॉन्स्ट। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बेसिकली वेरिएबल के बारे में बात नहीं करेंगे, उस वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये जो वैल्यू हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वैल्यू है, इसको ही हम बोलते हैं डाटा टाइप्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कितनी तरह की जो है वो डाटा टाइप्स होती है। देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने एक वेरिएबल ए लिया है, उसमें मैंने वैल्यू सेव करवाई है एडवांस टीचिंग। अब यहाँ पे ये देखना है हमने, ये डबल कोट्स के अंदर है हमारे पास वैल्यू। अब ये डबल कोट्स के अंदर हो या सिंगल कोट्स के अंदर, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है जी। उसको हम कहेंगे कि इसकी डाटा टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग है। ऐसे ही अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने इसी वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू 45 सेव करवाई। अब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि 1 2 3 4 5, या इसमें आप ऐसे सेव करवाएंगे, 45 पॉइंट में वैल्यू सेव करवाएंगे। आप विदाउट पॉइंट या पॉइंट में देंगे तो इसको इसकी डाटा टाइप बनेगी, इसको हम कहेंगे कि इसकी डाटा टाइप जो है ना वो नंबर है डाटा टाइप। अब अगर इसको आप नंबर को भी अब अगर आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में डाल देंगे तब इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग कंसिडर ही होगी, ठीक है। अगर विदाउट कोट देंगे तो फिर वो ऐसे, अगर नंबर्स में देंगे, अगर नंबर इस तरह के होंगे या पॉइंट्स में होंगे तो उनको जो है वो नंबर ही माना जाएगा। ऐसे अब यहाँ पे देखें, हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें हम एक ही वैल्यू जो है वो स्टोर करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें मल्टीपल वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें मल्टीपल वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि देखें 3 अलग अलग वैल्यू इसमें स्टोर करवाई हुई है मैंने। अब इसको जो है वो हम कहते हैं एरे, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है ना वो एरे है। अब इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा एरे पे भी। अब ऐसे नेक्स्ट हमारे पास होता है, यहाँ पे देखें मैंने वही वेरिएबल में, अब यहाँ पे देखें इसमें क्या है, एंगल ब्रैकेट लगी हुई है, इसमें क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये विदाउट कोड है जो फर्स्ट लिखा हुआ, ये एज ए की एज ए वेरिएबल के तौर पे काम करता है। और इसमें वैल्यू कौन सी है, ये एडवांस, ऐसे कॉमा डाला, फिर एक लास्ट, इसको आप कह सकते हैं या की कह सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं वेरिएबल। इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, टीचिंग। अगर आप ऐसे वैल्यू को जो है वो करवाते हैं तो इसको हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये एरे को, ये जो ऊपर मैंने आपको भी बताया एरे को, इसमें क्या होता है, हम एंगल, ये जो एंगल ब्रैकेट लगाते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट में हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन ये एरे को भी ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करता है जावास्क्रिप्ट में। तो ऑब्जेक्ट को तो ये ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा ही। ऐसे नेक्स्ट हम इसमें जो वैल्यू करवा सकते हैं वेरिएबल में, वो होती है ट्रू या फॉल्स, ये दो वैल्यू होती है। अब अगर आप ट्रू या फॉल्स इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इस वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी डाटा टाइप जो है वो बूलियन है। इस तरह की डाटा टाइप भी हमारे पास जो है वो जावास्क्रिप्ट में होती है। अब लास्ट में, अब यहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर ही करते हैं, कोई वैल्यू को डिफाइन नहीं करते इसके अंदर, इनिशियलाइज नहीं करते, तो इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी, इसकी डाटा टाइप बनेगी ये अनडिफाइंड है। चलिए आपको मैं इसका वीएस कोड में बताता हूँ कि इसको हम चेक कैसे करते हैं कि कौन से वैल्यू की क्या डाटा टाइप है। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक एचटीएमएल का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डाटा टाइप डॉट एचटीएमएल, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे लर्न जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जो है वो उसी फाइल को सेव किया है। और इसी फाइल में अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, एक टाइटल ही दिया है, और इसी फाइल को मैंने इधर ब्राउजर में भी ओपन कर रखा है जो कि आपके सामने है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एड टैग के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि वेरिएबल है एक्स, इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ। अभी मैं डबल कोट्स के अंदर दूंगा, ऐसे मैं दे रहा हूँ एडवांस टीचिंग, ये मैंने दे दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें, वैल्यू मैंने जो है ना वो डबल कोट्स के अंदर दी है। मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें मैंने इसको जो है वो लिख दिया एक्स को। अभी हमारे पास ये वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब हमने इसकी डाटा टाइप चेक करनी है कि इसकी डाटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, हम उसको यूज करेंगे। उसके लिए होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ लिख के उसके बाद मैं इस जहाँ जो जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये मैं इसको यहाँ पे पास कर दूंगा। इसका मतलब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी डाटा टाइप बन रही है, वो आपको ये फंक्शन टाइप ऑफ बता देगा। मैं आपको सेव करके अभी दिखाऊंगा, दिखाता हूँ। अब देखें, मैंने डबल कोट्स के अंदर इसमें वैल्यू सेव करवाई हुई, तो देखते हैं इसके हमारे पास डाटा टाइप कौन सी है। यहाँ पे देखें, मैं इसको न्यू लाइन पे ले जाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ
डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट, यहाँ पे मैं बी आर टैग को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने बी आर जो है वो लिख दिया। सेव करते हैं, अभी देखते हैं हमारे पास, रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये बता रहा है हमें कि ये जो वैल्यू है ना इसकी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग कहीं पे डिफाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइप ऑफ फंक्शन को यूज़ किया और इसमें मैंने वेरिएबल का नेम पास किया है कि इसमें जो वैल्यू आ रही है उसका हमें डाटा टाइप बताओ। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर कर दिया। अब सिंगल कोट्स के अंदर दिए मैंने, अब देखते हैं इसकी डाटा टाइप क्या बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रिंग ही डाटा टाइप कंसीडर करेगा, चाहे सिंगल कोट्स के अंदर हो चाहे डबल कोट्स के अंदर हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं इसी में वैल्यू ओवरराइड कर देता हूँ, मैंने एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कर दिया, इसके अंदर मैंने 45 को सेव करवा दिया। अब इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, अब इसकी इसमें वैल्यू 45 आ जाएगी यहाँ पे, तो 45 एक्स में सेव है, तो एक्स की टाइप ऑफ, अब देखते हैं मैं डाटा टाइप क्या बताता है इसकी। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे 45 प्रिंट हो रहा है और इसकी डाटा टाइप कौन सी बता रहा है, नंबर बता रहा है हमें। ऐसे अगर मैं इसको पॉइंट में दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट में दे दिया, अब पॉइंट में देखते हैं हमारे पास क्योंकि एक डेसिमल वैल्यू है एक, तो अब देखते हैं इसकी हमें डाटा टाइप क्या बताता है। तो ये इसको भी नंबर ही कंसिडर करता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं इनको भी अगर डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा, है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू लेकिन मैंने इसको क्या किया डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, अब इसको भी ये स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें हमें बता रहा है कि इसकी जो डाटा टाइप बन रही है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है जी। तो ऐसे अगर आपने ये न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो आपको विदाउट कोट्स जो है वो देनी है आपने। अब नेक्स्ट इसमें मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, अब हम मल्टीपल वैल्यू सेव करते हैं, तो मैं इसी को ही ओवरराइड कर देता हूँ एक्स को, इसमें मैं क्या करता हूँ मल्टीपल वैल्यू सेव करता हूँ। उसके मैंने डबल कोट्स लगाया, जैसे कि मैंने कह दिया एडवांस कोमा डाला, फिर एक और वैल्यू जो है वो सेव कर दी मैंने इसमें टीचिंग कोमा डाला, फिर इसमें मैं एक और वैल्यू सेव कर देता हूँ हेलो। अब ये देखिए मैंने क्या किया मल्टीपल वैल्यू को सेव किया, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लगाई एंगल ब्रैकेट। तो मैंने आपको बताया था कि ये एरे है, ऐसे हम एरे बनाते हैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये एरे, इसको एरे बोलते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमें इसकी डाटा टाइप अब क्या बताता है ये। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और यहाँ पे हमें बता रहा है इसकी डाटा टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको ये ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है। अब यहाँ पे देखें मैं इसको अब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जिसको ऑब्जेक्ट मैं फिर से एक्स की वैल्यू को ओवरराइड कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं अब कर्ली ब्रैकेट को लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक की बनाता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया इसमें क्या होता है ऐसे की बन जाती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू नहीं हमने कॉलन लगाना है। अब यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने करवाया एडवांस कोमा लगाया, उसके बाद मैंने एक दूसरी की बनाई लास्ट के नेम से, इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे दे दिया टीचिंग, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, अब एक्स ही एक्स को ही ओवरराइड किया, अब देखते हैं इसकी डाटा टाइप हमें क्या बताता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो देखें ऑब्जेक्ट ही बता रहा है हमें, तो ये ऑब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है, एरे को भी डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है ना इसमें आप ट्रू फॉल्स सेव करवाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ट्रू एक्स में ओवरराइड कर रहा हूँ, मैं ट्रू सेव करवा रहा हूँ इसमें, सेव करके अभी देखते हैं कि हमें इसकी डाटा टाइप क्या बताता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें ट्रू प्रिंट भी हो रहा है और यहाँ पे इसकी डाटा क्या बन रही है बूलियन बता रहा है हमें। ऐसे अगर आप फॉल्स यहाँ पे सेव करवाते हैं, यहाँ पे देखिए मैं फॉल्स सेव करवा रहा हूँ, इसमें दो ही वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, तो इसकी डाटा टाइप जो है वो बूलियन होती है हमारे पास, यहाँ पे देखें बूलियन, ठीक है जी। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो होता है अगर आप इसमें कोई वैल्यू देते ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको जो है वो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे बस मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर ही किया है और उसको मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर रहा हूँ और इसकी टाइप भी चेक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखें वो बता रहा है अनडिफाइंड वैल्यू, उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है प्रिंट वाली और इसकी डाटा टाइप जो है वो भी अनडिफाइंड ही है। आप इसमें अगर सेव भी कर देंगे ऐसे इज इक्वल टू अनडिफाइंड आप लिख भी देंगे यहाँ पे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अब मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, रिफ्रेश करता हूँ तब भी अनडिफाइंड है, वैसे भी अनडिफाइंड है, तो ऐसे अगर आप इसको नहीं बताएंगे तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं लास्ट पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो यहाँ पे देखें मैंने एक्स में एक वैल्यू जो है वो सेव करवा दी, ऐसे मैंने एडवांस टीचिंग ये मैंने इसमें वैल्यू सेव करवा दी। अब यहाँ पे देखें मैंने लिया एक्स स्मॉल में लिया है मैंने, अब यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में देता हूँ, प्रिंट में भी कैपिटल में देता हूँ और टाइप ऑफ में भी कैपिटल में देता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखें कुछ इसने प्रिंट नहीं किया, हमारे पास एक एरर भी आ गया, आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे,
मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल में चलते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख हमारे पास एरर रहा, अनकाट अनकैड कर एक्स इज नॉट डिफाइंड। देखें यहाँ पे, देखें मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने स्मॉल में जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको मैं प्रिंट में कैपिटल एक्स में दे रहा हूँ, तो ये इसमें एरर होता है हमारे पास, इसमें कंसिस्टेंसी होती है। आपने जिस तरह का वेरिएबल लिया है, चाहे स्मॉल कैपिटल में, आपको उसको आगे भी वैसे ही यूज करना है। आप देखें यहाँ पे मैं स्मॉल दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने स्मॉल ही डिक्लेयर किया है, तो मैं यहाँ पे भी स्मॉल दे रहा हूँ, तो अब जो है वो हमारे पास एरर नहीं आएगा। तो आपने जैसा वेरिएबल जो है लिया है ऊपर, उसको वैसा ही जो है वो आप यूज करेंगे। यहाँ पे देखें बता रहा है हमें, तो ये थी हमारे पास डिफरेंट जो है वो डाटा टाइप्स, तो इनका आगे काफी यूज होने वाला है वीडियो में, इसलिए मैंने आपको जो है वो ये इनको क्लियर करवाया, इनका काफी यूज करेंगे हम आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।